ফি বছরে শীতের সংকট পাঞ্জাব হরিয়ানা সীমানায় নাড়া পোড়ানোয় ফের হাঁসফাঁস অবস্থা দিল্লির। কালি বায়ু দূষণের এমার্জেন্সি মাত্রা পার করেছে দিল্লি। নির্মাণের নিষেধ, স্কুল ছুটি, জোর বিচোর গাড়ির ফর্মুলা, এগুলো সমস্তটাই পলিউশনকে কন্ট্রোল করার জন্য দিল্লি সরকার জারি করেছে। এবার সরকারি কর্মীদের জন্য ইলেকট্রিক বাস চালু হলো বলে জানতে পারা যাচ্ছে। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन है, इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में भी बहुत तकलीफ आ रही है, आँखों में जलन है। सारा दिन मतलब 3-4 बजे तक तो पता ही नहीं चलता कुछ सूरज है या नहीं है, उसके बाद थोड़ा बहुत सूरज दिखता है, बट पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन है। सुबह सुबह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इतना पॉल्यूशन हो रखा है, दूर दूर तक 500 मीटर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हमारे बुजुर्गों के लिए तो इतनी परेशानी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। नाक पे लगा रखा, देख रखा है आपने, और कल मेरी आँखों से पानी जा रहा था, दर्द हो रहा था आँखों के अंदर। ये तो मंत्री महोदय को चाहिए कि कुछ करें इसके लिए। बांग्लार आवाज, बांगालीर आवेग, जी 24 घंटा।